नमस्कार मेरे सभी साथियों को, मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यू का क्यू स्टडी पर। देखिए आज जो है सो परसेंटेज का 5वां क्लास होने वाला है। 4 क्लास तक हो चुका था जिसमें हमने 12 कॉन्सेप्ट बतलाए थे। तो जो भी साथी हमारे अभी तक नहीं देखे हो वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप उसको डायरेक्ट देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं जहाँ परसेंटेज के नाम से प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, तो वहाँ आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। आज का क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी। देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन आप हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिलते होगा, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है ये हम आपको आज हम बतलाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जब भी कोई भी परसेंटेज हो तो इसको फ्रैक्शन में सबसे पहले तोड़ना है। तो देखिए यहाँ बताया गया कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो 50% की फ्रैक्शन में क्या चेंज करना है। तो देखिए 50% ये है, ठीक है, ये 50% है, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए 1/2 होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसमें बताया गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में, तो त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या होती क्या है, तो त्रिज्या आर होगी, ठीक है। तो किसी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो अगर त्रिज्या आर अगर 2 है, सपोज मान लिया जाए कि अगर आर 2 है तो 25% की वृद्धि करने पर आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 25% की वृद्धि करने पर आर कितना हो जाएगा, 3 होगा। कैसे होगा कि देखिएगा 2 का 50% 3 होता है, कैसे होगा। सो इसमें देखिएगा हमने पहले ही बता दिया कि 50% मतलब होता है 1/2, और 2 का 1/2 कितना होगा, 2 का 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। तो अगर त्रिज्या पहले R2 थी, यानी कि R जो है 2 थी, और 50% बढ़ा देने पर R जो है हो गया सर 3 हो गया। तो इसको क्षेत्रफल इसके निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है कि πr² होता है, वृत्त की जो त्रिज्या का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो πr² होता है, ठीक है। तो πr² होता है, तो इसमें तो क्या करना है कि πr जो है सो 2 है, 2, और r जो है सो 3 है, तो इसको हम दोनों जगह लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले में है कि पाई हो जाएगा, और r 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा, और ये 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई से पाई ये कट गया, 2 × 2 = 4 हो गया 2 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर जो है सो 9 हो गया। अब देखिए कि इसमें कितना अंतर बतला रहा है, कितना अंतर बतला रहा है, 5 बतला रहा है, ठीक है। तो 5/4 हो जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ जो है सो ये हो गया 25 हो गया, ठीक है, और 25 × 25 हो गया, ठीक है, यानी कि 125% वृद्धि की जाएगी उसके वृत्त की जो क्षेत्रफल में, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसी तरह से बनाए जाते हैं। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस टाइप्स के है। अगला क्वेश्चन जो है देखिए पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में हमने बताया था आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसमें अभी बताया है वृत्त के, अब हम बतलाएंगे आपको वर्गाकार, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल किस टाइप्स के निकाले जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है सो क्वेश्चन को पहले समझिएगा कि किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए और वर्गाकार क्षेत्रफल के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि वर्गाकार है तो इसको एक वर्ग के टाइप में बना लेते हैं, इसका चारों भुजा बराबर होगा, अगर ए ए हम लेते हैं चारों भुजा ये बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम की जाए। 40% कम करने का मतलब क्या हुआ कि 40% को हम पहले फ्रैक्शन में तोड़ें। तो जो पहले तो हम बता देते हैं कि किस तरह से फ्रैक्शन में टूटता है, लेकिन जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी नए साथी हैं, उनको बतलाने के लिए इसमें हम देखिए बतला रहे हैं कि 40% को फ्रैक्शन में हम तोड़ेंगे तो 100 को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य चल जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2/5 ये हो जाता है। तो हमने बतलाया था कि वर्गाकार क्षेत्र के जो क्षेत्रफल का प्रतिशत निकालने की कमी की जाएगी तो कितनी होगी। देखिए सबसे पहले बतलाया कि हर एक भुजा में 40% कम कर दी जाती है। तो अगर पहला भुजा लेते हैं, अगर इसमें पहले 5 था, ठीक है, और 40% कम कर दी गई, तो 5 का 40% कितना होता है, 2 होता है, तो 2 अगर कम कर दी जाए तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बतला रहा है कि अगर दूसरा जो क्षेत्रफल है इसमें क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी,
और दोनों भुजा को बराबर किया जाता है। तो देखिए पहला भुजा में यह हुआ, दूसरा में भी यही होगा कि 40% कम कर दिया जाते हैं। तो पहला ये जो जो ये था, दूसरा में भी वही होगा क्योंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। इसमें देखिए क्या कि 3 से 3 में मल्टीपल करेंगे तो 9 हो जाएगा और 5 से 5 में मल्टीपल करेंगे तो 25 हो जाएगा। अगर इसी इसी टाइम में अगर कहीं कटता तो आप काट देते। देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 16 का आ रहा है। किस पे? 25 पे। तो 16 गुना 25 हो गया और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से यहाँ करेंगे तो 25 चौक हो जाएगा 16 और 16 चौक हो जाएगा 64। प्रतिशत जो है सो इसकी कमी आ गई, तो कमी के लिए एरो को नीचे की तरफ रखें। ठीक है, ये देखिएगा कि 16 हुआ। तो इसी तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाए तो आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी समझिएगा कि जो प्रत्येक भुजा है सो बराबर होगी। ठीक है, और बता रहा है कि 40% कम कर दी जाए तो 40% का जो फ्रैक्शन होता है 2/5 होगा। तो पहले भुजा में अगर पहले 5 ये था, ठीक है, 5 ये था, इसका 5 का जो 40% कम कर दिया जाए तो 5 का जो 40% होगा सो 2 होगा। तो 5 का जो 40% कम कर दिया जाए तो ये 3 होगा। उसी तरह से दूसरा भुजा में करेंगे क्योंकि दोनों भुजा बराबर होता है चारों भुजा। तो दोनों भुजा बराबर करने के लिए फिर यहाँ मल्टीपल करेंगे, 5 से 25 में जाएगा और 3 से 9 होगा। कितने का अंतर बन रहा है, 16 का बन रहा है, 25 पे, तो 16 25 हो जाएगा और जो इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे तो 25 चौक हो जाएगा 16 चौक 64 में इस प्रतिशत की कमी की जा रही है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि जनसंख्या वाला है। जनसंख्या के क्वेश्चन भी आपको हमेशा देखने को मिलते होंगे, तो चलिए उसको हम बनाते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12 से ही 1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33 से ही 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गाँव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाती है, तो गाँव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। इस टाइप से क्वेश्चन देखिए हमेशा देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम्स में। तो चलिए इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे ये हम आपको बतला रहे हैं। तो देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या लिखना है कि अगर पूछ रहा है कि 12 से 1/2% की वृद्धि की जाए और 33 से 1/3% की भी वृद्धि कर दी जाए, तो इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसको पहले लिख लेंगे कि 12 से ही 1/2% की वृद्धि करने के लिए ऊपर का एरो ऐसे कीजिएगा और जो अगर कमी की जाए तो उसका एरो नीचे जाएगा। ठीक है, और 33 से ही 1/3% की जो वृद्धि कर रही है तो इसमें भी ऊपर ही जाएगा। देखिए 12 से 1/2% को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/8 लिखेंगे और 33 से 1/3% को हम क्या लिखेंगे, 1/3 होगा। इस बात को हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए अगर पहले साल 8 रहा होता, अगर पहले साल किसी गांव की जो जनसंख्या है सो 8 रहा होता तो 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाने पर वह 9 बन जाता। ठीक है, उसी तरह से अगले साल यानी दूसरे साल जब अगर 3 रहा होता किसी भी गांव का जनसंख्या, दूसरे साल 3 रहा होता तो 33 से ही 1/3% की वृद्धि कर जाने पर ये 4 हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता, ये 4 हो जाता। तो अभी इसको हम मल्टीपल कर, अगर मल्टीपल करने पर यहाँ भी हम इसको काटेंगे ही। ठीक है, तो उससे बढ़िया है कि हम यहीं इसको हम डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। तो देखिए 3 से 3 पर जाएगा ये 9 हो जाएगा, 4 से ये 2 पर गया 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि ये 2:3 आ गया, ये जो है 2:3 आ गया। तो इसमें बता रहा है कि पहले साल जो है सो किसी भी गाँव की जनसंख्या 2 रहा होता तो दूसरी साल कितनी होगी, 3 हो जाती। लेकिन यहाँ बता रहा है कि दूसरी साल यानी 2 साल बाद 27 हो जाती है, 3 नहीं होती है, 27 हो जाती है। ठीक है, तो इसमें से कितना मतलब कितने भाग हो गया, ये कितने गुना का हो गया, तो 900 के ये गुना हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें भी हम 900 की मल्टीपल करेंगे यानी कि 1800 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको समझिएगा अच्छी तरह से कि अगर किसी भी गाँव की जनसंख्या में अगर पहले साल वृद्धि कर दी जाए या दूसरे साल भी वृद्धि कर दी जाए तो आपको एरो इस तरह से लिखना। अगर वही रहता है कि 33 से 1/3% की कमी कर दी जाए तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, और कमी करने के लिए जिस तरह से अगर आप वृद्धि किए तो 3 4 हुआ, ठीक है, 3 के बाद 4 हुआ, उसी तरह अगर कमी रहता तो 3 के साथ या फिर यहाँ 2 होता। तो देखिए अगर किसी भी साल में अगर पहले साल 8 रहा होता तो 12 से 1/2% को बढ़ा देने पर ये 9 हो गया
और उसी तरह से किसी भी साल 3 रहा होता तो 33 से 1/3% को बढ़ा देने पर ये 4 हो गया। तो अगर जो हम मल्टीपल करने पर देखिए यहाँ अगर हम काटेंगे उससे बढ़िया है कि हम यहीं इसको कट कर दिए। तो 3 से 9 पर गया ये 3 पर और 4 से 2 पर गया। तो अगर पहले साल 2 रहा होता तो दूसरे साल की जनसंख्या जो है सो 3 हो जाती, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 3 नहीं है 2700 है, तो इससे 900 गुना होगा। उसी तरह से 2 से नहीं 900 गुना होगा तो 1800 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग तुरंत हल, देखिए समझाने के लिए इतना समय लग रहा है लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है मात्र 10 सेकेंड का है। ठीक है, तो 10 सेकेंड में ये सब क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो आज भी हमने आपको 3 अच्छे कॉन्सेप्ट बतलाए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कुछ कुछ जो कि इंपॉर्टेंस है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो जो भी नए साथी हैं जो भी इस परसेंटेज के क्लास को डेली पढ़ना चाहते हैं और अगला भी कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा चैनल को तो जब वीडियो हम पब्लिश करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं जो डेली करेंट डेली जो है पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है। और देखिए सबसे ज़रूरी बात कि करंट अफेयर्स के डेली मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो रही है, डेली हमारे चैनल के द्वारा बतलाया जा रहा है। तो आप लोग करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखिए और रीजनिंग के भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप लोग रीजनिंग का भी क्लास देखिए। ठीक है, इस चैनल के द्वारा आपको सारे के सारे सब्जेक्ट सारे के सारे चीज़ कवर्स किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको अच्छी कंटेंट देंगे और अच्छी तरह से सिखाते चलेंगे। तो जय हिंद मेरे सभी साथियों को, फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।